फलकनाज ग्रुप के तामीराती मंसूबे, फलकनाज मजिस्ट्री की इफ्तिताही तकरीब, साइट ऑफिस मेन जिना एवेन्यू बिल मुकाबिल मलिर कैंट मुनक्किद हुई। तकरीब में मौजूदी ने शहर की बड़ी तादाद समेत बुकिंग कराने की गर्ज से आने वाली फैमिलीज ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। खसूसी तौर पर शिरकत करने वालों में चेयरमैन आबाद आसिफ सुमसुम, याया पोलानी, मंजूर रूफी, साबिक चेयरमैन आबाद अल्ताफ ताई, साइमा ग्रुप के रूह रवा जीशान सलीम जक्की, खावर मुनीर सुल्तान, जीशान अल्ताफ लोया, इकबाल रूमी, यूनुस लाखानी, फर्रुख मजहर, रफीक सुलेमान, रियाज इलियास, शुएब खान, नौरीन खान, असलम मियां नूर, मुदस्सिर थानवी, अकरम राणा, सईद कुरैशी, शेख अकील अहमद, अनवर गागाई, यूसी कैटरिंग के रूह रवां सिराज इकबाल और दीगर मौजूदीन शहर शामिल थे। इस मौके पर दुआ भी कराई गई। फलकनाज ग्रुप के रूह रवां फयाज इलियास और उनके भाई रियाज इलियास ने इस मौके पर मेहमानों का खैर मकदम किया। मेहमानों की तवाजे के लिए शाम के पहले पहर में शानदार हाई टी और बाद अजां पुरतकल्लुफ अशाइये का अहतमाम किया गया। फलकनाज ग्रुप के रूह रवां फयाज इलियास, खावर मुनीर सुल्तान, आबाद के चेयरमैन आसिफ सुमसुम, साबिक चेयरमैन अल्ताफ ताई, जेड इंटरनेशनल ग्रुप के रूह रवां जीशान अल्ताफ लोया, रूमी बिल्डर्स के इकबाल रूमी, यूनुस लाखानी, फर्रुख मजहर, शेब खान, नौरीन खान, रफीक सुलेमान, असलम मियां नूर, मुदस्सिर थानवी, अकरम राणा, सईद कुरैशी, शेख अकील अहमद ने GFS बिल्डर के रूह रवां इरफान वाहिद, इमार के जीशान मिर्जा और दीगर ने भी थिंक टीवी से बातचीत की। मैं शुक्रिया अदा करूंगा इस मौके पे फलकनाज मैजेस्टी की प्रोजेक्ट लॉन्चिंग पे हमारे चेयरमैन आबाद मेरे बहुत अजीज दोस्त भाई आसिफ समसम यहाँ पे आज मौजूद हैं, और जैसा कि तकरीब आज फलकनाज मैजेस्टी की लॉन्चिंग की है और अल्हम्दुलिल्लाह तामीराती शुबे में आज फलकनाज को 47 साल का अरसा गुजर चुका है। और आई माई सेल्फ सेकेंड जनरेशन, अब थर्ड जनरेशन भी इन ग्रुप में जो है अपनी खिदमात पेश सर्विसेज दे रही है, और बेतहाशा अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग उनकी तकमील के मराहिल से गुजर के आज हज़ारों सेटिस्फाइड क्लाइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे मौजूद हैं। वही हमारे बैकबोन है, वही हमारी सपोर्ट भी है। जैसे कि तामीरात के हवाले से मेरे भाई ने बात की कि ये शोभा जो है बड़ा अच्छा शोभा है लोगों के लिए, दो इसमें एक तो कारोबारी लिहाज से, दूसरा अगर देखा जाए तो एक तामीरात होती हैं उसमें लोगों को आप शेल्टर प्रोवाइड करते हैं तो वो भी एक बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह काम है। तो फलकनाज ग्रुप ऑफ कंपनीज अपनी माजी के जितने प्रोजेक्ट्स जिस तरह से मुकम्मल लोग प्रोजेक्ट लॉन्च किए डिलीवर किए, इसी तरह से फलकनाज मैजेस्टी भी इंशाल्लाह कामयाबी के मराहिल तय करके मुकम्मल करके लोगों को आने वाले सालों में हैंड ओवर किया जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। आज माशाल्लाह आज फलकनाज मैजेस्टी की ओपनिंग है, मेन जिना एवेन्यू पे ये प्रोजेक्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत भरपूर तरीके से आवाम आई हुई है। फलकनाज की कोई तारीफ का मोहताज नहीं है, फलकनाज के बेहतरीन बहुत बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं, इसी वेसिनिटी के अंदर बहुत प्रोजेक्ट्स हैं जो डिलीवर कर चुके हैं और इन प्रोग्रेस हैं। तकरीबन 3-4 हज़ार यूनिट यहाँ पे इन प्रोग्रेस हैं जो डिलीवर कर रहे हैं और पिछले बहुत डिलीवर कर चुके हैं। इसके अलावा जौहर में भी काम कर रहे हैं, पूरे शहर में पिछले 30-40 साल से ये लोग काम करते हुए आ रहे हैं और डिलीवर करते हुए आ रहे हैं। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब आएँ और बुकिंग कराएँ और भरपूर इंशाल्लाह फ़ायदा होगा इसमें। थैंक यू वेरी मच। रहमान रहीम फबिया रबी कुमा तो ज़बान, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ पूरी फलकनाज की टीम को, फयाज भाई और उनके तमाम भाइयों को और टीम को। माशाल्लाह रौनक है, कराची की बहाल होती हुई नज़र आ रही हैं और जिस तरह ये शाहकार प्रोजेक्ट बनने जा रहा है इंशाल्लाह कराची के लिए एक बड़ा लैंडमार्क साबित होगा। रहमान रहीम, हर बार की तरह इस बार भी तो क्या मैं कहूँ, ये हमारा भाई है और हमारी टीम है, ये फॉर्मर चेयरमैन है आबाद के, और जब भी इनकी प्रोजेक्ट पे मैं आता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि रौनक लगाना अगर कोई सीखे तो आपसे सीखे, और मैं सच कह रहा हूँ, मैं इनसे मैं खुद भी सीखता हूँ इनसे, और माशाल्लाह जो डिज़ाइनिंग करते हैं मैं हमेशा कहता हूँ कि इनकी प्रोजेक्ट की आप डिज़ाइनिंग देखें, इनकी साइड ऑफिस की डिज़ाइनिंग देखें तो मैं खुश होता हूँ। अच्छा काम करते हैं, डिलीवर करते हैं, सबसे बड़ी बात ये।
यहाँ इस पट्टी पे बहुत काम किया। इस पट्टी को अगर मैं समझता हूँ कि कहते हैं ना कि मुस्तनद बनाना या काबिले रिहाइश बनाना, तो फयाज़ ने बड़ी मेहनत की है इस पर, और मैं फयाज़ भाई को, इनके तमाम भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ और दिल से दुआ गूँ कि अल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट को भी कामयाब करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बताऊँ कि अभी हैसियत चेयरमैन आबाद में आपको बता रहा हूँ कि इन हालात में अगर ये काम कर रहा है शहर के अंदर और इतनी मुश्किलात के बावजूद, इतने टफ टाइम के बावजूद, तो हमें इसको जो है अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट आप देखें कहाँ से कहाँ जा रहा है, बाकी मामला देखें, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट देखें, फिर भी अगर ये हिम्मत करता है तो इसको देख के हमें भी हिम्मत होती है। और ये हिम्मत इसकी नहीं है, पूरे सेक्टर की हिम्मत है, इसलिए इसको मैं दो बार मुबारकबाद देता हूँ, एक प्रोजेक्ट की मुबारकबाद देता हूँ और एक इन हालात में इतनी हिम्मत करके काम करना। और आप लोग माशाल्लाह जब भी हम आते हैं तो ये टीम, तो आपने जो है ना फयाज़ भाई को जो है ना वो कहते हैं हमने आपको होल्ड नहीं किया, आपने फयाज़ भाई को होल्ड किया हुआ है, तो अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फयाज़ भाई, रियाज़ भाई, अकील भाई, अब रिनोन्ड नेम ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, हमारे फॉर्मर चेयरमैन भी बैठ चुके हैं माशाल्लाह, बहुत प्रोजेक्ट इन्होंने डिलीवर किए हैं और बहुत लोगों को माशाल्लाह इन्होंने घर दिए हैं, तो मैं समझता हूँ ये भी कामयाब प्रोजेक्ट है, मैं इनको एडवांस मुबारकबाद देता हूँ। और जिस तरह से मुझे लोगों का रश नज़र आ रहा है, तो ये बता रहा है कि देखिए एक अच्छे रिनोन बिल्डर के यहाँ हम बुकिंग करवा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हमें डिलीवरी भी टाइम पे मिलेगी। तो मेरी नेक तमन्ना है, मेरी दुआएं इन सब भाइयों के साथ है, अल्लाह इनको इस प्रोजेक्ट में ही बहुत कामयाब करे। ज़बरदस्त जी, हमेशा की तरह फलकनाज और फयाज़ और रियाज़ भाई, हमारे सारे अकील भाई ज़बरदस्त काम कर रहे हैं जी। ये मुल्क की खिदमत है, इस वक्त जब मुल्क को बहुत ही मुश्किलात हैं, उस वक्त जॉब्स क्रिएट करना और ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च करना इस डिफ़िकल्टी में, जहाँ डॉलर का पता नहीं है, स्टील इतना महंगा हो गया, सीमेंट इतनी महंगी हो गई है, लेबर इतनी महंगी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद अपना सारा पैसा मुल्क में लगाना, ये मुल्क की खिदमत है और दे आर द रियल हीरो। और बहुत मुबारक हो अगेन, और माशाल्लाह इसी तरह ये हर महीने एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं और अल्लाह ताला बहुत बहुत तरक्की दे। हमारी दुआएँ, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मेंटोर हैं, इसी तरह माशाल्लाह करते रहें, हमारी बहुत दुआएँ माशाल्लाह। आज आए हम और बहुत अच्छा इवेंट इन्होंने किया है, काफ़ी लोग आए हैं, बिल्डर भी आए हैं, कस्टमर भी आए, पब्लिक भी आई है, और इनका रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा, और इन्होंने इवेंट भी बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा बनाया हुआ है, सेटअप वगैरह, खाना पीना माशाल्लाह। यहाँ तो इस इलाके में तो अभी बड़ा बूम ही है माशाल्लाह, तो इस वजह से माल सबका बिक ही रहा है, यहाँ भी इनका भी माल बिका है, पहले भी बिका था इनका माल, वो सबका बिक रहा, हमारा रूमी बिल्डर का भी बहुत माल बिका लास्ट वीक का, उसमें भी माशाल्लाह तकरीबन 1500 लोग पहुँचे, कस्टमर भी बहुत है, बहुत माल बेचा हमने माशाल्लाह, तो बस इसी तरह चलता रहता है। खैर मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो रियाज भाई को, फयाज भाई को बहुत बहुत मुबारक हो जी। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह फलकनाज ग्रुप एक मार्केट का एक बड़ा नाम है, वेल इस्टेब्लिश है, बहुत सारे प्रोजेक्ट उन्होंने हैंड ओवर कर दिए हैं। ये जो जिस प्रोजेक्ट पर हम आए हुए मजेस्टी पे, ये भी अलहमदिल्ला उसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी है, इनकी रिपूटेशन भी, और हम बहुत रश भी देख रहे हैं इसके अंदर। तो आजकल जो बिल्डर का काम रह गया वो रिपूटेशन पे रह गया है, कि जिसकी रिपूटेशन है वही बुकिंग कर पा रहा है। इकोनॉमिकल इतनी सख्त कंडीशन के अलावा भी फलकनाज ग्रुप ने अपने मुसलसल प्रोजेक्ट वो ला रहा है और इकोनॉमी में एक ख़ास रोल अदा कर रहा है। तो हम दुआ गो हैं फलकनाज ग्रुप के लिए कि अल्लाह उनकी मदद फरमाए, जल्द अज़ल्द प्रोजेक्ट कम्प्लीट करें और लोगों को हैंड ओवर कर दे उसको। शुक्रिया। मैं आज के इस लॉन्च के ऊपर फयाज साहब को और फलकनाज को मुबारकबाद देता हूँ। ये हमारी शहर के लिए एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारी ये प्रोजेक्ट्स आते रहें और हम ऐसे ऐसे आला प्रोजेक्ट्स को देखते रहें। ये बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है, और ये एक कराची की एक शान होगी और हमारे लिए एक फ़ख्र भी होगा कि हम इस किस्म के प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ये दुबई के प्रोजेक्ट्स के मुकाबले में जो है ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और मैं इनको पूरी अपनी मुबारकबाद देता हूं, और अब मेरी सारी दुआएं इनके साथ हैं, इस ग्रुप के साथ हैं, फलकनाज ग्रुप के साथ, कि वो इसमें कामयाब हों। के प्रोजेक्ट बनाते हैं वंडरफुल और माइंड ब्लोइंग माशाल्लाह, बिकॉज हर प्रोजेक्ट ही बड़ा ज़बरदस्त है, अपनी जगह हर प्रोजेक्ट मायने रखता है और बहुत मेहनत करते हैं माशाल्लाह से, एक बहुत बड़ा नाम है और सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत मेहनत के साथ सारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं। बस हमारी बेस्ट विशेज़ हैं फयाज़ साहब के साथ, उनके भाइयों के साथ, अल्लाह पाक इसी तरह तरक्की करते रहे। ये तो कहने की बात ही नहीं कि कराची शहर के
चंद बड़े जो नाम हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के हवाले से, उसमें फलकनाज ग्रुप आज से नहीं है। कराची में आप इंटर होते हैं एयरपोर्ट से, जैसे ही उतरते हैं अगर पहला कोई नाम नज़र आता है आपको तो वो फलकनाज नज़र आता है। तो माशाल्लाह से बहुत पुराना नाम है, बड़ा मंजावा नाम है, हमेशा इन्होंने डिलीवर किया है। तो इनका एक और नया प्रोजेक्ट आ रहा है, ऑल द गुड विशेज़, और जो इन्होंने अपना एक नाम बना के रखा है, जो क्वालिटी और डिलीवरी को मेंटेन किया है, उसको इंशाल्लाह इसमें भी ज़रूर उसको कंटिन्यू करेंगे। और इनको बहुत बहुत मुबारक हो, फयाज को, उसकी पूरी टीम को, और बेस्ट ऑफ लक जी। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये हमारे दोस्त ने फयाज इलियास ने आज ये इनॉग्रेशन रखी है फलकनाज मैजिस्टिक की। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहे, ये भी प्रोजेक्ट इनका सक्सेसफुल होगा। और ये सारे प्रोजेक्ट्स एज यूजुअल टाइम के ऊपर डिलीवर करते हैं, तो ये भी टाइम के ऊपर डिलीवरी होगी। और चूंकि इनका नाम काफ़ी आपको पता है कि मार्केट के अंदर अच्छा है, क्वालिटी के हवाले से एक इन्होंने अपना ब्रांड मेंटेन किया हुआ है, तो मैं समझता हूं कि ये वाला प्रोजेक्ट भी जो इन्होंने अभी आज लॉन्च किया है, अल्लाह ताला इसमें इनको कामयाबी देगा और ये सारिफिन को वक्त पे डिलीवर करेंगे, और जैसा ये कहते हैं उससे अच्छा इंशाल्लाह ताला डिलीवर करेंगे। मैं दिल की गहराइयों से फयाज भाई और इनके सब भाइयों को, फलकनाज की टीम को मुबारकबाद देता हूँ। जिस तसल्सुल के साथ माशाल्लाह ये प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इनके, ये फलकनाज मैजेस्टी है, अल्लाह इनको बहुत बरकत दे, और जिस विजन से, जिस काम से कर रहे हैं, तो अल्लाह इनको बहुत तरक्की दे। आज फलकनाज का 47 साल हो गया, जैसा अभी फयाज भाई ने बताया, तीसरी नस्ल अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है इसके अंदर, और माशाल्लाह काफ़ी स्कीम 33 के अंदर, गुलशन, गुलिस्तान, जौहर और बहुत सारी जगहों पे इनके प्रोजेक्ट्स हैं फयाज भाई वगैरह के, और अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबी दे, कामरानी दे, और ख़ूब तरक्की करें, और कराची के टॉप 5 बिल्डरों में इनका नाम आता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और इनकी तमाम जो नेक नियती है और तमाम खिदमात हैं उसकी वजह से आज वो यहाँ पर इस मकाम पर हैं। फयाज एक हमारी इस मार्केट का एक चमकता हुआ सितारा है, और ये बहुत पहले से काम करते हुए आ रहे हैं, और मार्केट में इनका एक अच्छा एतमाद और अच्छा एक नाम है, और अल्लाह पाक इनको बरकत दे, कामयाब करे। और ये वो लोग हैं जो हम जैसे छोटे बिल्डरों को भी एक रास्ता दिखाते हैं, और इन्हें देखकर जो है हम जैसे लोगों को भी एक हौसला मिलता है और काम करने का हौसला होता है। और अगर मैं समझता हूँ कि इसी तरह के बिल्डर जो है अगर इस कराची के अंदर इस तरह के प्रोजेक्ट लाते रहेंगे, उससे बेरोज़गारी का भी खात्मा होगा और लोगों का एतमाद भी बढ़ेगा, और इससे इकॉनमी में भी हमारी मतलब है कि एक अच्छा असर पड़ेगा। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिर फयाज भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, माशाल्लाह। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फयाज भाई का जो भी प्रोजेक्ट होता है वो कामयाब होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी सोचा है एक प्रोजेक्ट कामयाब क्यों होता है? ये प्रोजेक्ट कामयाब क्यों होता है कि आदमी कोई भी कारोबार करे, कपड़े का काम करे, रेस्टोरेंट्स करे, या कोई लोगों को घर बना के दे, जब तक उसके अंदर ईमानदारी, दयानतदारी और खलास नहीं होगा वो काम कभी भी नहीं चलेगा। और ये सारी चीज़ें इनके अंदर, इनके प्रोजेक्ट में पूरी कूट कूट के भरी हुई हैं, समझे ना। ये पैसा लेते हैं लेकिन आदमी को चीज़ देते हैं, और आज तक कोई ऐसा बंड या कोई ऐसे सुनने में नहीं आया कि भाई कोई किसी के साथ मिस है वो आओ। बल्कि फयाज भाई की जो पर्सनैलिटी है, वो ड्राइवर के साथ भी प्यार करते हैं, गार्ड के साथ भी प्यार करते हैं, दोस्तों के साथ भी प्यार करते हैं, और मेरी दुआ अल्लाह ताला इस फलकनाज को फलक तक पहुँचाए। आमीन सुम्मा आमीन। सलाम अलैकुम। आज फयाज फलकनाज का मैजेस्टी के नाम से एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, ये बहुत ही बेहतर प्रोजेक्ट है। अब मैं आप लोगों को सबको दावत दूँगा कि यहाँ आए, प्रोजेक्ट के बारे में मालूमात हासिल करें, और इनकी कंस्ट्रक्शन सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इसलिए मैं आप सबको इनवाइट करूंगा कि यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में आप लोग अपने लिए ज़रूर हासिल करें, एक फ्लैट ज़रूर हासिल करें, और यहाँ सर्विस भी बहुत अच्छी है। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग एक दफ़ा इनको भी आज़मा के देखें, और आप लोगों को अच्छी सर्विस मिलेगी, अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा, और ये एक बेहतर लोकेशन पर है। ये गुलिस्तान जौहर का गुलिस्तान जौहर का ब्लॉक है, जो आर्मी के अस्करी 4 के करीब है, तो आप इसमें ज़रूर किंग टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।